गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं कुछ काम से, शाम का समय है तो जस्ट कुछ काम से बाहर निकला हूँ, और मेरा एक दोस्त है जिसने अभी तक ये गाड़ी देखी नहीं है। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए मुझे ये गाड़ी लेके, 5 से 6 महीने हो गए अभी तक उसने मेरी गाड़ी देखी नहीं, जबकि वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है और हम मिल ही नहीं पाए एक्चुअली बहुत टाइम से ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब फाइनली आज वो मुझे हम लोग दोनों का मिलने का प्लान बना है और वो मेरी गाड़ी पहली बार देखेगा, तो ये रिएक्शन उसका मैं कैप्चर करूँगा इस वीडियो में, देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। उसको पता है मैंने गाड़ी लिया है, उसने देखा है, फोटोज वगैरह देखा है, पर एक्चुअल में देखने के बाद उसका रिएक्शन क्या आता है वो हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। ये जो दोस्त है ना जिससे मैं आज मिल रहा हूँ, ये मेरा बचपन का बहुत ही खास दोस्त है, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। अभी फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी को देख रहा है। अरे आइए भाई आइए, आपका रिएक्शन वीडियो शूट हो रहा है ताकि अपना दोस्त पहली बार हमारी गाड़ी को देख रहा है, हमारी गाड़ी में तशरीफ ला रहे हैं हमारे। क्या बात है, क्या बात है। आइए आइए बैठिए बैठिए भाई। अरे लाभ अलभ्य लाभ। इससे पहले कि हम हमारी अपना पर्सनल बात करें, आप गाड़ी के बारे में कुछ बताएं, आप पहली बार देख रहे हैं, क्या है, क्या लग रहा है, कैसा है? शब्द नहीं मिल रहे मुझे, इतना जबरदस्त लग रहा है मुझे। थोड़ी देर बाद ऐसे शब्द उमड़ने लगेंगे, पर इतना जबरदस्त लग रहा है। बाहर से दूर से ही देखा तो मेरे को पहले मुझे लगा भाई कोई तो ऐसा फॉरेनर का गाड़ी लग रहा है। भाई ऐसे ही लग रहा। अरे देसी गाड़ी है भाई, टाटा है भाई, तो इंडियन कम है क्या भाई? मतलब ऐसा तोड़ू है उसका, ऐसा व्हाइट लाइट दिखा दूर से मुझे लगा तोड़ू है। आते जैसे पास में आया तो भाई वैसे बोलते ना, दूर से देखा तो वैसे थी, बाहर से आया तो इस बार बहुत परी बहुत अच्छी लगी थी। सुपर हैप्पी फॉर यू, आई एम लाइक फ्रॉम द डे वेयर वी स्टार्टेड एंड लाइक वेयर वी आर टुडे, लाइक सीरियसली प्राउड अबाउट यू एंड रियली हैप्पी फॉर ऑल द थिंग्स। चलो अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से हिरानंदानी जाएंगे, वहाँ पे लैपटॉप का काम करेंगे और फिर मेरा दोस्त फीडबैक देगा गाड़ी उसको कैसे लगा है, ठीक है। थोड़ा बायस्ड रहेगा क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, तो कुछ अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो भी वो नहीं बोलेगा, लेकिन वो फीडबैक देगा। नहीं नहीं मैं बहुत ऐसा क्रिटिक्स अंदर से खुरेज दे, हम लोग दोनों ने एक्चुअली बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं हम लोग 15-20 साल से पूरा इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। हम ये देश कैसे सुधर सकता है, ये लोग कैसे सुधर सकते हैं, हमारे पास देश के लिए बहुत सारे आइडियाज है, इस देश के नौजवानों के लिए भी बहुत सारे आइडियाज है, हम बहुत बड़े क्रिटिक्स है, तो मुझे पूरा यकीन है ये कुछ तो क्रिटिसाइज करेगा ही। ओके भाई चलो अभी हम लोग जाते हैं। और भाई बाबा का रिएक्शन, बाबा का फर्स्ट रिएक्शन, गाड़ी वीडी लेके बंगला लेके घूम रहे, गाड़ी लेके घूमे तो भी बात अलग है, साला बंगला लेके घूम, बंगला लेके घूम, पूजा भी है। ओहो हाय बड्डी कार, बड्डे 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 एक्सीडेंट हो गया लगता तेरा, हो गया हाँ हो गया, इसलिए घूम रहे थे, मतलब क्या है जितने घूम रहे। तो भाई अभी मेरे जो दोस्त, खास दोस्त बैठे हैं गाड़ी में फर्स्ट टाइम, और उन दोनों को मैंने पीछे बिठाया कैप्टन सीट में, और दोस्तों कैसा लग रहा है? राजा वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को, राजा नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है ये कैप्टन सीट में। एंड एक्चुअली मैं टाटा सफर में पहली बार बैठा हूँ गिरीश, तेरे वजह से, सो यू हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन सीट दिस। अरे वाह, आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड अबाउट यू। नहीं नहीं, ट्रूली ट्रूली यू प्रोग्रेस दिस एंड आफ्टर टाटा सफर यू मे गो फॉर मर्सिडीज। आई टोल्ड हिम द सेम थिंग, लाइक वी आर प्राउड अबाउट यू, लैंड रोवर। अभी किसी दिन कभी हुआ तो आप लैंड रोवर का नाम ले सकते हो। इवोक नहीं, डिस्कवरी, डिस्कवरी में नेक्स्ट इज डिस्कवरी, टाटा ओन्स दैट, सो यू कैन एक्चुअली अपग्रेड टू रेंज रोवर डिस्कवरी देन। पर जबरदस्त गाड़ी है, बहुत नहीं नहीं भाई मजा आ गया, ये फील है, मतलब फील बोलते हैं ना। चलो अच्छा, थैंक यू। और अभी और मतलब इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट अभी कैसे लग रहा है? फर्स्ट टाइम बैठे, एकदम फर्स्ट टाइम है ये, आप लोग का फर्स्ट फ्यू मिनट्स है जो भी यहाँ पे बैठे हो। लेग रूम्स के बारे में ही कैन टेल यू बिकॉज़ ही इज क्वाइट लॉन्ग, तो मतलब मेरे को कोई गाड़ी में तो लेग रूम होता ही नहीं, पर ये गाड़ी में अभी लेग रूम है और भी स्पेस है पीछे जाने के लिए, तो काफी बढ़िया है। लेग रूम इज मस्त है, लेग रूम का कोई इशू ही नहीं है सफर के।
बेसिक लेवल्स सो सी यू हैव दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिक थिंग्स व्हिच एवर आर नीडेड बट एंड नाउ आई एम फीलिंग द लग्जरी पार्ट सो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग लाइक द वे आई एम कीपिंग माय फोरआर्म्स ऑन द हैंडल्स ऑन द विंडो वो है फिर लाइक आई एम गेटिंग अ लिटिल स्मॉल लाइट्स ओवर देयर कैप्टन सीट्स पे तेरा आर्मरेस्ट है देन यू गेट टू एक्सपीरियंस द सनरूफ एंड एवरीथिंग सो दीस आर ऑल लग्जरी फीलिंग्स व्हिच आई एम गेटिंग इन योर कार थैंक यू वेरी मच दोस्तों तो अभी चलो थोड़ा ड्राइव पे जाते हैं फिर लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट दे देना थैंक यू वेरी मच दोस्तों धन्यवाद वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई लव्ड अबाउट द कार इज द कलर इज लाइक सो मेस्मराइजिंग फॉर मी लाइक आई कैन फील द कलर इट्स लाइक सो नेचर फ्रेंडली लाइक आई कैन फील दैट द स्काई इज ऑन योर कार एंड इट जस्ट गिव मी अ लाइक I'm so close to nature to it. Like whenever I feel like I'm seeing this car, I can see that my reflection on it. Like I just feel that the color bahut acha laga. Definitely, you bought the best of the colors which is available from the Tata Motors. ये color तो बहुत अच्छा ही है, but ये जो development में मुझे लगा नहीं कि जो छोटी-छोटी चीजों पे जो ध्यान दिया हुआ है, जैसे अभी ये lights डाला है, mirrors में lights डाला है, handle का finishing. अंदर बैठने के बाद में एक्सटीरियर में जो चेंजेस किया हुआ है इंटीरियर में जो चेंजेस किया हुआ है वो एक काफ़ी बहुत बड़ा ये लगा सेकेंड थिंग ये जो है ना ये वाला जो लगा है दिस इज गिविंग मतलब ये जो लुक दे रहा है गाड़ी को ये लुक स्पोर्टी लुक हाँ स्पोर्टी लुक वो लुक पहले नहीं आ पाता सेकेंड थिंग मूवमेंट जो है टायर साइज के साथ में जो मैकविल लुक रहे हैं जैसा दिया हुआ है वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट लग रहा है गाड़ी का या डेफिनेटली Yeah, it's adding on a lot to the design and tire matlab aaj wo thar wa chalate jo bade bade tire jiske shauk hai bada tire jo road pakad ke chalti hai gaadi wo type ka tire hai and definitely when I sat behind like at the captain seat I really felt like that the legroom and everything was so comfortable like, actually I felt like I can like just go on for a drive and on and on and on it will not make me tire for hours and hours We are trying to get the Range Rover feel to a Tata Prologue. That's the best thing to get. नहीं बट मुझे ये बताओ कि आप लोग का perception towards टाटा ब्रांड चेंज हुआ है क्या ये गाड़ी आने के बाद yes, yes, definitely. क्यों चेंज हुआ लेकिन नहीं नहीं as per see first of all is the design value which I think has improved a lot in Tata after Indica I guess I was a little skeptical about the design values which they used to come up with the cars but the way they have came up with Harrier and Safari definitely was more about Safari like the design value has gone way too international as per the standards of Tata और मैं तो वो पुणे से जो नेशनल हाईवे अपना मुंबई आते हो वहाँ पे हरियर का उन्होंने मतलब हरियर का जो बोर्ड लगाया वो बोर्ड चेंज करके आई थिंक दे शुड पुट सफारी ऑलरेडी रखा है उन्होंने ऑलरेडी रखा है उन्होंने चलो अच्छा है डेफिनेटली गिव्स यू अ ग्रेट फीलिंग अबाउट द कार यू ओन एंड दैट्स व्हाट एज अ कंज्यूमर आई वुड लव टू हैव इट फाइनली अगर बोलने जाए तो सिक्स सीटर के सेगमेंट में दिया है एंड इफ लाइक या इफ द लास्ट टू सीटर्स आर गिविंग मी द मोस्ट ऑफ द कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आई एम लेकिन सिक्स सीटर और सेवन सीटर के कंपैरिजन में सिक्स सीटर का क्या एडवांटेज हो सकता है एक सीट कम मिल रहा है इसमें तो बट एवरी टाइम यू कांट आस्क फॉर लाइक द मोर यू फिट इनटू इट बट इट्स अबाउट द मोर कंफर्ट यू कैन आस्क फॉर अ लॉन्ग ड्राइव सो इवन इफ यू हैव अ सिक्स सीटर हु द लास्ट टू पीपल हु गोइंग टू सिट एट द बैक सीट एंड इफ दे आर गेटिंग गोइंग टू गेट अ कंफर्ट एट Like for even for a 3-4 hours of drive, that's more than enough to count on a good SUV, is what I think. लेकिन बट ये गाड़ी देख के इमीडिएटली दिमाग में क्या नाम आता है कि कौन सा गाड़ी है जो इस सेगमेंट में है जो इससे यू नो इस लेवल का हो सकता है इसका कॉम्पिटिटर हो सकता है या इस लेवल का क्या हो सकता है कौन सा याद आता है अपना
फॉर्च्यूनर का स्पोर्ट मॉडल ओके फॉर्च्यूनर का स्पोर्ट मॉडल आई डोंट नो बिकॉज़ आई हैव हर्ड अ लॉट अ लिटिल डिफरेंट रिव्यूज अबाउट फॉर्च्यूनर बट लाइक सिटिंग इन द बैक सीट एट सफारी इट गेव मी अ गुड लेग रूम एंड आई एक्सपेक्ट I can actually have a good long drive for 4 to 5 hours at the back seat, and I can actually rest at the back seat. Which if I like, I'm not actually watching outside the window, and if I want to rest for 4 to 5 hours, I can actually rest at the back seat. That's what I feel. So that's what I. मुझे पहले Ford Endeavor भी बहुत पसंद आता था. Yeah, Endeavor का जो craze था, that we can suddenly look at. नहीं बट फोर्ड एंडीवर फॉर्च्यूनर इन सब का तो इन सब का प्राइस रेंज तो 30 लाख के आसपास है वो तो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है अभी आप लोग ने अभी रिसेंटली ऐड वगैरह देखा होगा अल्काज़ार वगैरह का टीवी पे या कहीं आई डोंट नो होर्डिंग में वगैरह ऐड आप लोग को माइंड में वो इम्पैक्ट आया क्या अल्काज़ार का ऐड देख के नहीं इट्स अ 7 सीटर ओके I don't think the rest of the cars can offer the legroom and the space which Safari is offering. I doubt any other car can offer that amount of space. Okay. Thank you. अभी जो मेरे दो दोस्त हैं उन लोग दोनों ने अपना फीडबैक दिया है इस गाड़ी के बारे में ये तो कुछ भी नहीं था ये सिर्फ एक फर्स्ट रिएक्शन था आई थिंक हम तीनों और हमारे कुछ और दोस्त हैं हम लोग मिल के एक लॉन्ग ड्राइव प्लान कर रहे हैं वेरी सून बहुत जल्दी तो उस ट्रिप में हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या फील आता है हमें इस गाड़ी के बारे में और हमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा तो आई थिंक आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं और हैव अ नाइस डे